सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम बात करने वाले कि यूट्यूब में हमें ये जो कम्युनिटी टैब होता है और ये स्टोरी टैब होता है वो हमें यूट्यूब में कम मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर आपका चैनल बहुत ज्यादा यानी आपका चैनल छोटा है, आप यूट्यूब पे न्यू आए हो तो यार इस वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना, क्योंकि जो यूट्यूब में कम्युनिटी टैब और स्टोरी टैब जो होता है वो हमारे वीडियो पे व्यूज लाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है, जिससे हमारे वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज हम दोबारा से ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बता रहे आप स्टोरी टैब कैसे पा सकते हो, कब मिलता है, उसे कैसे यूज करना होता है, हमारे वीडियो के लिए क्या यूजफुल होता है हमारे चैनल के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आप एक छोटे यूट्यूबर और न्यू यूट्यूबर आए हो तो वीडियो को देखते रहना लास्ट तक, और अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करते चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कस्टम यूआरएल, कम्युनिटी टैब, स्टोरी टैब, सिल्वर प्ले बटन जो भी हो ये सब होते हैं वो गाइस हमें यहाँ पे यानी सब्सक्राइबर के हिसाब से मिलता है। तो यानी कि जब आप न्यू चैनल क्रिएट करते हो और वीडियो बनाते हो और आपके चैनल पे जैसे ही 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं तो आपको एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पे कस्टम यूआरएल इनेबल करने का। तो फ्रेंड इससे हमारा फायदा क्या होता है, अगर मान के चलो जैसे यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लिखो youtube.com/technicalrvzm। तो फ्रेंड्स इससे क्या होता है, अगर मान के चलो इसको अगर इसको मैंने किसी बंदे को शेयर किया तो अगर इसको यानी ये लिंक को क्लिक करेगा तो वो बंदा डायरेक्ट मेरे चैनल पे विजिट करेगा यानी मेरे चैनल पे डायरेक्ट पहुंच जाएगा। तो ये फायदा होता है, अपने हिसाब से यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो गाइस अगर आपको इसको इनेबल करना नहीं आता है तो मुझे यहाँ पे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा अगले वीडियो में कि यहाँ पे कस्टम यूआरएल कैसे इनेबल करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो सेकंड है वो मिलता है हमको कम्युनिटी टैब। तो गाइस यहाँ पे जो कम्युनिटी टैब होता है वो हमें फ्रेंड्स यहाँ पे मिलता है हमको 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद। अगर आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाता है तो 7 दिन के बाद ऑटोमेटिक आपके चैनल पे कम्युनिटी टैब यहाँ पे 100 होने लगता है। उसके बाद यहाँ इससे फायदा क्या होता है, तो गाइस इससे हमारा फायदा ये होता है कि आप अपने ऑडियंस से, अपने फ्रेंड्स, अपने सब्सक्राइबर से कुछ भी कह सकते हो यानी कुछ अपडेट बता सकते हो, फोटो वगैरह पोस्ट करके कुछ बता सकते हो जैसे कि मेरे इतने सारे सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं ये वो वगैरह वगैरह कुछ भी आप बता सकते हो, जैसे कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो कि मैं इस तरह से यहाँ पे बना के रखा हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कम्युनिटी टैब होता है उसका यही फायदा होता है। तो गाइस यहाँ पे थर्ड बात करते हैं स्टोरी टैब का कि स्टोरी टैब हमें कब मिलता है। तो फ्रेंड्स अगर आपके चैनल पे जैसे अगर आपके चैनल पे 10000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो गाइस आपको 1 महीने के अंदर में आपको स्टोरी टैब मिल जाता है। तो गाइस इससे फायदा क्या होता है, फायदे की बात करते हैं तो इससे क्या होता है, आप जैसे कि जिस तरह जैसे कि टिकटॉक हो गया और भी जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हो गया जिस तरह आप उससे वीडियो बनाते हो ना, तो इसमें वीडियो बना के क्या कर सकते हो, अपने ऑडियंस से बातें कर सकते हो और अपने चैनल का लिंक डाल के, अपने वीडियो का लिंक डाल के उस पर एक्स्ट्रा व्यूज पा सकते हो। मान के चलो कि आपके चैनल यानी आपके चैनल पे बहुत पहले की वीडियो पड़ी हुई है वो मान के चलो आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा यानी पब्लिक को एक बार देखनी चाहिए, उस पर व्यूज नहीं आ रहे तो क्या कर सकते हो, यहाँ पे स्टोरी टाइम में आप वीडियो बना के अपना जो होता है लिंक, वीडियो का लिंक शेयर करके आप क्या कर सकते हो उस पर एक्स्ट्रा व्यूज पा सकते हो, जिससे आप पुराने वीडियो पे भी व्यूज ला सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्टोरी टाइप का होता है वो बहुत ज्यादा फायदा होता है, फायदेमंद हमारे लिए, यानी जो कम्युनिटी टाइप होता है और स्टोरी टाइम वो हमारे वीडियो को यानी एक्स्ट्रा व्यूज लाने के लिए बहुत ज्यादा यानी काम करती है। आप गाइस यहाँ पे बात करते जो सिल्वर प्ले बटन होता है वो हमें कम मिलता है, तो ये जो सिल्वर प्ले बटन होता है वो हमारे चैनल पे 100,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के बाद हमारे चैनल पे क्या होता है, हमें सिल्वर प्ले बटन मिलता है। तो फ्रेंड्स और फिर जैसे कि मान के चलो आपके चैनल पे फिर 3,00,000, 2,00,000 की तरह 3,00,000, 4,00,000 और फिर 1,000,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे सिल्वर प्ले बटन, गोल्डन प्ले बटन ऐसे आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी और अब आप लोगों के सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि स्टोरी टैब, कम्युनिटी टैब, कस्टम यूआरएल और यहाँ पे जो एक सिल्वर प्ले बटन है वो हमें कब मिलता है और कैसे मिलता है। इसके लिए गाइस कुछ भी अप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कस्टम यूआरएल उसको इनेबल करना पड़ता है अपने से, बाकी जो सब होता है वो ऑटोमेटिक आपके चैनल पे होते रहता है आपके सब्सक्राइबर के हिसाब से। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो अगर वीडियो पसंद आई हो, ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना आगे भी मेरे चैनल पे यूट्यूब टिप्स से रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए। और मुझसे कुछ भी बात करना चाहते हो तो मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर मुझे क्लिक करके फॉलो कर सकते हो और मुझसे वहाँ पे डायरेक्टली बात कर सकते हो। यहाँ पे मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल नेम है official/rvzy, तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे आ दो जिनको भी मुझसे बातें करना है, और आप लोग कुछ सवाल हो तो मुझे यहाँ पे इंस्टाग्राम मैसेज कर सकते हो या कर ही सकते हो, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे मुझे कमेंट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।